22 मार्च 2020 रोजी पंतप्रधानांनी भारतातील दळणवळण बंदी संमत केली. ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकोला युनिटने कोरोना किटचा वापर करून कोरोनाचा केक कापला होता. या वाढदिवशी पीपीई किटचा उपयोग करण्यात आला. अकोला शहराध्यक्ष अब्दुल मुनाफ यांच्या नेतृत्वामध्ये कोरोना यांच्या वाढदिवशी निषेध करण्यात आला होता. यात कार्यकर्ते आसिफ अहमद खान, नगरसेवक मोहम्मद मुस्तुफा, पहलवान इम्रान खान रब्बानी, इरफान खान, इम्रान शाह, शाहिद रजा, मिर्जा अब्रार आदि उपस्थित होते. मनाया है वो हमने कोरोना का बर्थडे मनाया है, क्योंकि कोरोना को आज पूरा एक साल हो चुका है कि भारत की जो जनता है वो कोरोना की जो तकलीफ है वो एक साल से बर्दाश्त कर रही है. और एक इसमें खास बात ये है कि कोरोना का जो अजाब है, कोरोना का जो वबाल है, वो उन्हीं राज्यों में दिखाई दे रहा है जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता नहीं है. और जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं है वहां पर कोरोना है, और जहां पर कोरोना है वहां बीजेपी की सत्ता नहीं है. और इस कोरोना की आड़ में जनता को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. बल्कि एक तरफ ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी जगहों पर इलेक्शन हो रहे हैं, पब्लिक जमा हो रही है, तो वहां पर पब्लिक के लिए यानी कोई कोरोना दिख नहीं रहा है. और जहां पर यानी बीजेपी का राज नहीं है वहाँ पर हमें इस तरह से छोटे छोटे लोगों को जमा करने पर भी जो है वो उन पर कार्रवाई हो रही है. तो जनता को ये बेवकूफ़ बनाने का काम सत्ता कर रही है कोरोना के नाम से. इसीलिए हमने सारे मैसेज ये दिया है कि इस कोरोना जो है वो आज पूरा एक साल का हो चुका है, और एक साल के कोरोना ने पूरी दुनिया को बहुत तकलीफ दे रखी है. सबके कारोबार ठंडे पड़े हैं और बहुत सारे लोग जो है वो घरों पर बैठे हैं. विदर्भ न्यूज़ ब्यूरो अकोला.